दोस्तों, आपके अपने चैनल व्यूज एंड रिव्यूज में आपका स्वागत है। तो आज अपने एक डेली स्वैग जो पाकिस्तान न्यूज चैनल है और उसके बारे में उसकी रिएक्शन लेंगे और इसका डिस्क्रिप्शन है बिहाइंड द कैमरा व्हाट पाकिस्तान पब्लिक थिंक्स अबाउट इंडिया गाजा इन इजराइल कंफ्लिक्ट पाक रिएक्शन। तो इसका क्रेडिट जाएगा डेली स्वैग को। तो देरी ना करते हुए चलिए हम लोग वीडियो देखते हैं। Assalamualaikum, this is Muzammil Qureshi here and you are on my channel Daily Swag. आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि मैं शूट किस तरह से करता हूँ, मैं लोगों से बात किस तरह से करता हूँ, बिहाइंड द कैमरा क्या कुछ होता है और लोगों के साथ कन्वर्सेशन करना कितना आसान है और कितना मुश्किल है। आज की ये वीडियो देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पब्लिक किस तरह से हमें ट्रीट करती है और मैं किस तरह से उनसे बात करता हूँ और इनको बात समझाता हूँ अपनी। आइए मेरे साथ चलते हैं, इधर एक बंदा नज़र आ रहा है, मुझे उसी की तरफ चलते हैं तो इन्हीं से बात करते हैं। Assalamualaikum, मैं कभी नहीं डील नहीं की थी। Assalamualaikum, मेरी जान मैं कभी पढ़या नहीं गा। क्या कह रहे हैं? मैं पढ़या नहीं गा पानी, बिल्कुल नहीं पढ़े। बात सुनो वाला। Assalamualaikum, Assalamualaikum। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक हूँ सर। नाम आपका? मोहम्मद शबान। क्या करते हैं? मैं मैकेनिकल का काम करता हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त हो गया। बात करने का मकसद आपसे ये है कि क्या लगता है कि फ़लस्तीन के अंदर जो हो रहा है इस टाइम, इसराइल के अंदर जो हो रहा है, फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान जंग लगी हुई है, इसको कैसे देखते हैं आप? ये हमारे लिए एक लम्हा फिक्री है। अच्छा। हमें तमाम मुस्लिम मालिक को सोचना चाहिए और हमें फ़लस्तीन को सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, चाहे फ़लस्तीन गलत भी कर रहा हो उसको सपोर्ट करना चाहिए। फ़लस्तीन गलत नहीं कर रहा, ये हमारी आबाई जगह, हम मुसलमान हैं, ये हम तमाम अमते मुसलमान की जगह है। और कौन सी? हर फ़लस्तीन की, फ़लस्तीन की जगह। तो ओरिजिनल में अगर आप देखोगे जो इसराइल है, जो बनी इसराइल का जिक्र रियासत है, उसने तो उन्होंने तो पनाह दी फ़लस्तीनियों ने इनको और इन्होंने कब्जा करना शुरू कर दिया। अच्छा। और मुसलमान अपना उसको उन्हें शहीद कर रहे हैं, उनकी औरतों के हिस्से लूट रहे हैं, ये जो नाइंसाफियाँ कर रहे हैं। अभी जो हमास ने अटैक करके उनकी औरतों की इज्जत लूट रहे हैं, बच्चों को अगवा कर रहे हैं, बच्चों पर बमबारी कर दी गई। पैगाम देखे होंगे नेट पे, वो तो उनको तहफ़ फराहम कर रहे हैं, उनके बच्चों को, उनकी इसराइल के बच्चों। जी ऐसे ही हो रहा है, ये हमारा इस्लाम उन्हें दरस यही देता हमें कि हम औरतों की, इस्लाम दरस ये देता है कि 5000 बम मासूम बच्चों और बूढ़ों पर गिरा नहीं है। नहीं नहीं, ये बच्चों और बूढ़ों पे गिराए नहीं, ये इस्लाम तो तरबियत ही इसकी देता है बूढ़ों की और औरतों की और बच्चों की, इनकी हिफाजत की जाए। और वो वहाँ पर जो हमास ने बम गिराए हैं, बच्चों पर तो गिराए हैं, बूढ़ों पर और औरतों पर, ये देखे उन्होंने टारगेट करके नहीं गिराए, उन्होंने तो उनके अड्डों पर अपना हमला किया। अड्डों के अंदर चलती बसों के ऊपर भी अटैक होते हैं? हमें तो नहीं पता कि चलते, लेकिन ये कि उन्होंने ऐसा नहीं किया, ये हमारा अपना मुस्लिम किबला ओवल है, हमें इसकी हिफाजत करनी चाहिए और हमें इसको सपोर्ट करना चाहिए। सर, सपोर्ट तो करना चाहिए, इसकी हिफाजत भी करनी चाहिए। क्या हिफाजत दूसरे मासूमों की जान लेकर हिफाजत होती है? नहीं नहीं, ये जान नहीं ले रहे, ये एक जिहाद है जिसका इस्लाम ने हुक्म दिया हुआ। जिहाद के अंदर औरतों को भी यरगमाल, बच्चों को भी और बूढ़ों को भी। आपने नेट पे देखा होगा, हमने भी देखा, वो तो औरतों को तहफ़ फराहम कर रहे हैं, वो खुद कह रही हैं कि हमें इन्होंने कुछ नहीं कहा और बच्चों को। और इसराइल क्या करता है? इसराइल हम उसने किबला ओवल पे कब्जा किया हुआ था, जो सलाहुद्दीन अयूबी ने चढ़ाया, हजरत उमर अलैहि सलाम ने चढ़ाया, ये तो जहाँ हजरत सल्लम ने 124,000 अम्बिया की इमामत करवाई है, तो वो तो अपना हमारा इस पर हक है मुसलमानों। अगर हम हिस्ट्री पर चले जाएं, अगर हम तारीख को देखें, तो जो इसराइल है, जो इसराइल का जो मुल्क है, वो ओरिजिनल में यहूदियों का नहीं है? नहीं नहीं, कुरान मजीद में बरे कुरान मजीद में इसराइल के बारे में जिक्र है, बनी इसराइल। वो जिक्र तो है, इन्होंने जो अपना जब इनको मनसलवा आता था, इन्होंने नाशुकरी की और इनको अल्लाह ताला ने एक अजाब में मुब्तला किया। इसके बाद आप देखेंगे जर्मनी ने इनके साथ क्या किया, ठीक है, और फ़लस्तीन के मुसलमानों ने इनको अपना दी, ठीक है, जिस वजह से वो कब्जा ही करना शुरू हो गए और बेहतर अपना मकदस। फ़लस्तीन के मुसलमानों ने उन्हें जगह दी और इसराइल ने जगह खरीदी ना, वहाँ पर कब्जा तो नहीं ना किया? जब आप अपनी ज़मीन बेचेंगे, मैं खरीदूँगा, तो वहाँ पर मैंने कब्जा थोड़ी कर लिया। सर देखें, उन्होंने ख़रीदी नहीं है, और जो कुछ है उन्होंने खरीद ली है, लेकिन वो ज़्यादा हिस्से पे वो कब्जा कर रहे हैं बशर के। दोस्तों, ये मानने को तैयार ही नहीं कि फ़िलिस्तीन के हमास जो है, मैं बेसिकली हमास की बात करूँ, वो बूढ़े बच्चों को कत्ल नहीं किया, औरतों को रेप नहीं किया, नरसंहार किया पूरा, मैं तो ये बोलूँगा। हाँ, ये मैं मानता हूँ फ़िलिस्तीन के साथ ज़्यादती हुई है, ज़्यादती से ये कि लैंड का इंक्रोचमेंट ज़्यादा हो गया इसराइल की तरफ से, ये हम लोग सब मानते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि बर्बरतियाँ
ये जो जालिम पना है, ये वैशी पना जो फिलिस्तीन हमास ने किया है वो सही ठहरा सकते हैं, कोई वर्ल्ड इसको नहीं मानेगा। हाँ, जो इस्लामिक वर्ल्ड है कुछ कुछ जो है जो कि एकदम पढ़े लिखे नहीं, जैसे पाकिस्तान हुआ, ये लोग मानना ही नहीं चाहते कि फिलिस्तीन फिलिस्तीन का कोई दोष है, हमास का कोई दोष है, सारा दोष इसराइल का है। ना पढ़े हैं ना हिस्ट्री के बारे में जानते हैं, तो 1920 में क्या हुआ था, सब क्या हुआ था। वो लोग ये नहीं जानते हैं कि उसके जो आका लोग हैं हमास के, वो सब आराम से टर्की वगैरह बैठ के मजे कर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं। तो ये सब कोई रिलीजन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब पैसे का खेल है ये कहानी, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।